और इसी बीच डूंगरपुर से सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर पीटीआई भर्ती परीक्षा 2018 में फर्जीवाड़े को लेकर के बड़ी जानकारी है। डूंगरपुर जिले में फर्जी डिग्रियों से बने पीटीआई का खुलासा हुआ है, यह बड़ी खबर। कोतवाली थाने में 6 अभ्यर्थियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। एक के बाद एक RPSC की भर्ती परीक्षाओं पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसी बीच डूंगरपुर से ये सबसे अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, समस्त बेरोजगार संघ बांसवाड़ा ने IG को परिवाद दिया था। प्रारंभिक जांच में 4 अभ्यर्थियों की डिग्रियां यहां पर फर्जी निकली। PTI जो स्कूलों में लगे हुए हैं, जो शारीरिक शिक्षक के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन वही फर्जी डिग्रियों से लगे थे। 2 अभ्यर्थियों की डिग्री का विश्वविद्यालय ने कोई रिकॉर्ड नहीं दिया है। कोतवाली थाना पुलिस अब पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। 6 अभ्यर्थियों के खिलाफ PTI भर्ती परीक्षा 2018 के फर्जीवाड़े को लेकर के FIR दर्ज की गई है। तो यह सबसे बड़ी जानकारी PTI भर्ती परीक्षा 2018 से जुड़ी हुई। पूरी की पूरी भर्ती परीक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जयेश पवार फोन लाइन पर है। जयेश, क्या है पूरा मामला और क्या PTI भर्ती परीक्षा 2018 में इस तरह से संदिग्ध लोग चले गए? देखिए, समस्त बेरोजगार संघ बांसवाड़ा की ओर से पिछले दिनों IG बांसवाड़ा को एक परिवाद दिया गया था। IG बांसवाड़ा ने परिवाद डूंगरपुर SP को भेजा था, जिसमें PTI भर्ती 2018 में डूंगरपुर जिले के अलग अलग गांवों से 14 लोगों पर फर्जी डिग्री से PTI बनने के आरोप लगाए गए थे। परिवादी की जांच में परिवादी की ओर से जो दिया गया था उसकी जांच डूंगरपुर एडिशनल SP ने की थी। जांच में भेमई निवासी भूपेश पाटीदार, जयेश पाटीदार, घाटा का गांव निवासी सुधीर पाटीदार और सेमलिया घाटा निवासी नीरज पाटीदार द्वारा लगाई गई जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा की जो डिग्रियां थी वो फर्जी निकली। वहीं गढ़ा जसराजपुर निवासी शिल्पा पाटीदार और दिलीप पाटीदार की डिग्रियों के संबंध में अभी तक संबंधित विश्वविद्यालयों ने रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करवाया। इधर डूंगरपुर एडिशनल SP की रिपोर्ट पर, जांच रिपोर्ट के आधार पर डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाने में 6 अभ्यर्थियों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इतना ही नहीं, जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो परिवाद है जो बांसवाड़ा संघ ने दिया था उसमें PTI के अलावा पटवारी भर्ती परीक्षा, रीट और लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा में भी फर्जी डिग्री से नौकरी पाने के आरोप लगाए गए हैं। इन भर्तियों को लेकर के भी पुलिस जांच कर रही है। जी बिल्कुल जयेश, नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब खबर है